सीएए का विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी। कोलकाता में पीएम मोदी से इस पर की चर्चा। पीएम बोले इस पर दिल्ली में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की 2 दिन की यात्रा पर शनिवार को कोलकाता पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ममता ने पीएम मोदी से नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर बात की और कहा कि हम इसके विरोध में हैं। बंगाल सीएए और एनआरसी को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी देश से न निकाला जाए। सरकार को सीएए और एनआरसी पर विचार करना चाहिए। এখানে এসছেন আপনি আমার অতিথি, হয়তো আমার বলা উচিত কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমার এটা মনে হয়েছে বলে আমি বলছি যে আমরা ক্যা এবং এনপিআর এবং এনআরসি আমরা তিনটেরই বিরুদ্ধে এবং তিনটের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে সারা দেশ জুড়ে এবং আমরা এটা নিশ্চয়ই চাই মানুষে মানুষে বৈষম্য হওয়া উচিত নয় এবং কোনো মানুষই যাতে দেশ থেকে বাদ না যায় এবং কোনো মানুষের উপরই যাতে কোনো রকম কোনো অত্যাচার না হয় এটা দেখার জন্য এবং ক্যা নিয়ে এবং এনআরসি নিয়ে আপনারা আবার ভাবনা চিন্তা করুন এবং আমরা চাই এটা উইথড্র হোক। हालांकि इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा कि वो यहां किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली में बात होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सीएम ममता को दिल्ली आने के लिए भी कहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यह मेरा संवैधानिक कर्तव्य है कि हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का स्वागत करें। ये शिष्टाचार मुलाकात थी। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पर आगवानी की। मैंने बैठक में अपनी 2 मांगों को रखा है। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে এসছেন, এটা আমার সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আছে, ম্যাটার অফ কার্টিসি টু মিট প্রাইম মিনিস্টার, টু মিট অনারেবল প্রেসিডেন্ট। আমি যতবার অনারেবল প্রেসিডেন্টও এসছেন এখানে মিট করেছি এবং এয়ারপোর্টে মিনিস্টার ইন ওয়েটিং একজন থাকে, যখনই প্রেসিডেন্ট আসেন বা প্রাইম মিনিস্টার আসেন বা অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী আসলেও এটা হয়। বিরাধা কি মিনিস্টার ইন ওয়েটিং আছেন, তাই উনি এয়ারপোর্টে গেছেন। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर शनिवार को कोलकाता पहुंचे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम और दिलीप घोष के अलावा भाजपा के दूसरे नेताओं ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन में पीएम मोदी से मुलाकात की।